क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में पाए जाने वाली इन नायाब खुमियों के मुतालिक? पांच, छह। दुनिया की सबसे महंगी नायाब खुमिया मोरेल मशरूम, या कुछ लोग इसे गुच्छी के नाम से भी पुकारते हैं। नाजरीन, ये गुच्छी, ये मशरूम जो है वो तकरीबन 30,000 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट में सेल हो रहा है, और आज की डेट में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तकरीबन 50 टन से ज़्यादा ये मोरेल मशरूम पूरी दुनिया में बरामद कर रहा है। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं आपको यहाँ पर उगने वाली नायाब खुमियों के बारे में बताऊँ, या मैं यहाँ की ब्यूटी को आपके सामने एक्सप्लोर करूँ। ना ही इसको प्रमोट किया गया है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इन इलाकों के बारे में। लोग जाते हैं, हुंजा जाते हैं, गिलगित जाते हैं, नरान कगान जाते हैं, ये उससे भी अच्छी जगह। जो लोग जाते हैं नरान कगान वगैरह, मरी वगैरह, मेरा नहीं ख्याल वो इलाके देखने वाले हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप इधर आए, इसको विजिट करें, बहुत मजा आएगा आपको। यहाँ के लोग बहुत ताउन करने वाले हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फैसल मुमताज़, और आप देख रहे हैं आई एम पाकिस्तान विद फैसल मुमताज़। नाज़रीन, इस व्लॉग में मैं नहायत ही कन्फ्यूज़ हूँ, बड़ा कन्फ्यूज़ रहा कि मैं यहाँ पर पाए जाने वाली इन नायाब खुमियों को आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करूँ, या यहाँ की ब्यूटी को आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करूँ। नाज़रीन, ये खुमियाँ जिस एरिया में पाई जाती हैं वो नहायत ही खूबसूरत एरिया है, क्योंकि ये खुमियाँ अमूमन पहाड़ों में पाई जाती हैं, इनकी एक महसूस जगह होती है और इन खुमियों को काश्त नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इन खुमियों को ढूंढने हम पहुंचे ज़िला बड़ाग्राम। ज़िला बड़ाग्राम नहायत ही खूबसूरत वादी है, और ये वाक़े है कोहिस्तान, मानसेरा और तुरगर के बुलंदोबाला पहाड़ों की चोटियों के दामन में एक खूबसूरत वादी है जो एक ज़िला की हैसियत रखता है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे टोटली पैदल हाइकिंग करके यूसी शुमलाई के मज़ाफात में, और वहाँ पर जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर हम आपको बताएँगे कि इन खुमियों को कैसे ढूँढा जाता है। दुश्वार गुजार रास्तों पर सफ़र करते करते लोगों से मुलाकातें हुई, और उनसे यहाँ की ब्यूटी के हवाले से बातचीत हुई। मैं यहाँ की ब्यूटी के बारे में आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे मौसम का कोई पता नहीं चलता, कभी मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है। और एक तो ये बहुत खूबसूरत इलाका है, इर्द गिर्द चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस जगह प्रमोट करना चाहिए जी। अच्छे रोड होने चाहिए ताकि जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें। तो हमारा ख्याल यही है कि इस इलाके को एक्सप्लोर करना चाहिए हर किसी को। सरसब्ज वादियाँ, ताकतवर नदियाँ, खूबसूरत झील और जन्नत नज़ीर नज़ारों से मालामाल। इस वादी में हमने अपने लिए खाना खुद तैयार किया, किसी ने लकड़ियाँ काटी तो किसी ने सालन बनाया, किसी ने रोटियाँ पकाई तो किसी ने बर्तन धोए। नाज़रीन, नहायत ही खूबसूरत माहौल बन चुका है हमारे साथ। और यहाँ पर मुकामी लोगों के साथ थोड़ी गपशप हुई। यहाँ पे अगर रोड गवर्नमेंट हमें दे दे ना, तो अल्लाह का शुक्र हमारा इलाका जो ना ये कई हलाकों से खूबसूरत है, सहूलत है, हमारे जंगलात बच जाएंगे, हमें काफ़ी सहूलत हो जाएगी, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, होटल कोई लगा लेगा, कोई यहाँ दुकान डाल लेगा, कोई अपने घोड़े पालेगा, सेल के लिए लोग आएंगे, उनको ले जाएंगे, उनसे ताउन करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट इस तरह तवज्जो नहीं कर रही। आई एम पाकिस्तान के हाजरीन, ये जगह सतह समुंदर से तकरीबन 12,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है, जहाँ से दर्रे हिल, कोहे बलेजा, डूंगा मिडोज, मलकसर, काड़गंजागर और ज़िले मानसेरा के इलाके सजल, जबोड़ी, मुंडी, मूसा का मुसल्ला वगैरह का हसीन नज़ारा किया जा सकता है। नाज़रीन, इस इलाके की खूबसूरती को बयान करना मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं हैं जिनसे मैं यहाँ की ब्यूटी को अच्छे तरीके से आपके सामने पेश कर सकूँ। मगर नाज़रीन, सैर व तफरी के साथ साथ अब हम आगे बढ़ेंगे इन नायाब खुमियों की तरफ, मोरेल मशरूम की तरफ, कि वो कैसे ढूंढे जाते हैं इन पहाड़ों में। हमारे साथ रहिएगा। और नाज़रीन, साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इतने बड़े घने जंगल में ये छोटी छोटी मशरूम ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। इसकी जो प्लांट बॉडी है उसकी लंबाई मैक्सिमम 2.8 सेंटीमीटर तक जाती है, और इसकी जर्मिनेटिंग टाइम तकरीबन 10 से 12 दिन होता है, और तकरीबन 12 से 14 दिनों में ये मैच्योर हो जाता है, और नेक्स्ट 10 डेज तक ये इसी तरह रहता है, और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। कितनी हो गई जी, थैला भर गया? यानी बताएं आप थैला।
नाजरीन को बताएं कितनी मशरूम हमने इकट्ठी कर ली हैं, बताएं। प्लेट नहीं होगा ना? प्लेट से ज़्यादा है। प्लेट से ज़्यादा है जी। चलिए अल्लाह खैर करे। इधर है जी। दो तीन चार पाँच छः, ये बताएं काफी बड़ा है जी। ये बड़ा है। इधर कैमरे की तरफ दिखाएं थोड़ा सा। आई एम पाकिस्तान के हाजिर हूँ। साइंस के मुताबिक ये मशरूम बहुत सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, इसी वजह से ये मशरूम अमूमन मार्केट में महंगा पाया जाता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आई एम पाकिस्तान विद फैसल मुमताज़। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।